तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज औरैया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 15 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें सैफई रेफर किया गया है। बता दें कि मजदूरों से भरी डीसीएम को ट्रक ने टक्कर मारी, जहां फिलहाल राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि राजस्थान से बिहार झारखंड ये मजदूर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ये ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके पर ही 24 मजदूरों की मौत हो गई। तो 24 मजदूरों की मौत के साथ ही 15 गंभीर रूप से घायल हैं मजदूर, जिन्हें फिलहाल सैफई रेफर किया गया है। तो सैफई के पीजीआई अस्पताल भेजा गया है। मौके पर प्रशासन ने राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया है और घटना को देखते हुए फिलहाल मृतकों की संख्या में कहा ही जा रहा है कि इजाफा हो सकता है, क्योंकि भीषण हादसा था और ऐसे में आशंका ये कि शायद मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो हादसा सुबह 3 बजे के तकरीबन हुआ है और ये वो वक्त था जब अंधेरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें यहां पर प्रशासन को सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान प्रशासन के साथ आसपास के लोगों ने भी मदद की, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। तो यूपी के औरैया का यह मामला है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं और इस बीच कई हादसों की खबरें भी लगातार सामने आई हैं, जहां पर औरंगाबाद की बात करें तो वहां पर ट्रक पर सो रहे 16 मजदूर जिनकी मौत हो गई थी मालगाड़ी की चपेट में आने से, तो वहीं कई ऐसी खबरें और भी सामने आ रही हैं। तो ये फिलहाल वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब डीसीएम और ट्रक के बीच ये भिड़ंत हुई और 24 प्रवासी मजदूर जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो एक हादसा, भीषण हादसा, जहां पर प्रवासी मजदूरों को अपनी जान की कीमत यहां पर देनी पड़ी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला का। चंद्रमणि, अभी तक वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, क्या क्या जानकारी अभी तक वहां से मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई है और ये दुखद घटना हुई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इसकी तुरंत जांच की बात की है और मंडलायुक्त कानपुर और आईजी कानपुर के निर्देशन में ये जांच की जाएगी। साथ ही में मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है कि जो प्रवासी मजदूर घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया था, तमाम जिला अधिकारियों से भी कहा था कि अगर इस तरह से जो मजदूर हैं वो ट्रकों से या पैदल जाते हुए दिखेंगे तो जिला अधिकारी की गलती मानी जाएगी। उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर उंगलियां जरूर उठती हैं। बिल्कुल, प्रशासन पर उंगलियां उठनी लाजमी है और फिलहाल उठ भी रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने भी यहां पर उन पर सवाल उठाए हैं कि सीएम योगी तो आदेश दे देते हैं लेकिन उन आदेशों का पालन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, और इसी को लेकर अधिकारियों पर सवाल उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। लेकिन चंद्रमणि, ये बताइए कि हादसा 3 बजे वक्त हुआ, अब लेकिन वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले बीएसपी सुप्रीमो को सुना तो उन्होंने कहा कि चाय पीने के लिए वो रुके हुए थे और इसी बीच एक हादसा यहाँ पर हो गया, तो वजह क्या रही, किस वजह से हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो गाड़ी खड़ी थी और उसमें दूसरी गाड़ी के लड़ने से ये हादसा हुआ, लेकिन अभी जो मंडलायुक्त जांच करने गए हैं और जो आईजी कानपुर के निर्देशन में जांच होगी उसके बाद में काफ़ी स्थिति स्पष्ट होगी कि किस लिए किस तरह से दुर्घटना हुई और क्या कारण थे। फिलहाल ये दुखद दुर्घटना है क्योंकि जिस तरह से 40 मजदूरों की मृत्यु हुई है, वजह कुछ भी रही हो लेकिन इसका परिणाम जो दुखद है और जिस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार अपने गंतव्य स्थलों तक जा रहे हैं, चाहे औरंगाबाद की घटना हो चाहे ये औरैया की घटना हो, हर हाल में एक ये मानवता को शर्मसार करती है और इस पर जरूर प्रशासनिक अधिकारियों को विचार करना चाहिए कि जब इस तरह से मजदूर प्रवास कर रहे हैं तो उनकी जो सुख सुविधा है उसका ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित करते हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती है तो कई दिनों से जिस तरह से लगातार हादसों की खबरें आ रही हैं सामने प्रवासी मजदूरों के साथ और किस तरह से वो अपने घर जा रहे हैं, जैसे कि कई ऐसे एग्जांपल्स जो हैं आए दिनों में हमने काफ़ी देखे, लेकिन तो इसी पर सवाल ये भी उठ रहा है
कि आखिरकार प्रशासन क्या मदद कर रहा है, क्योंकि तमाम दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे चंदमणि कि जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, अभी अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि शायद मृतकों की संख्या में इजाफा हो पाए, तो संख्या क्या थी उस डीसीएम में, क्योंकि कहा जाता है कि डीसीएम में भी कहीं ना कहीं कुछ मजदूर सवार थे और ट्रक में भी सवार थे, तो कितनी संख्या रही होगी और कितना भी आंकड़ा फिलहाल घायलों का और मृतकों का? जी देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारी संख्या में मजदूर थे और 24 की संख्या में मजदूरों की जो मृत्यु हुई है वो स्पष्ट हो चुकी है, और वहीं पर अगर बात करें जो घायलों की संख्या है वो 30 के आसपास है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि करीब 50 से अधिक जो मजदूर हैं वो इस समय घायल अवस्था में हैं या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और भी बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर जो है छुटपुट रूप से घायल हैं, और चूँकि रात का समय था इस वजह से जो मजदूरों को लाने में और जो सुविधाएं समय से उपलब्ध हो सकती थी उसमें भी काफ़ी देरी हुई, उस वजह से काफ़ी मजदूरों को और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। पर बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मजदूर ट्रेवल कर रहे हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से समझाना चाहिए या प्रशासन की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं करानी चाहिए कि जो मजदूर जैसे ट्रक है या पैदल है वो ना चले, क्योंकि इस तरह की घटनाएँ लगातार सामने आ रही है और जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने भी दिखाया कि तमाम ट्रक से मजदूर जा रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देशित कर रहे हैं कि कोई इस तरह से ट्रेवल ना करे, उसके बावजूद ये अगर मजदूर जा रहे हैं तो प्रशासन की जरूर ढिलाई है, और जो जिलाधिकारी हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और जो मजदूर जाते दिखे उनसे एक बार ये जरूर पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, और अगर वो सही कारण से कहीं जा रहे हैं तो उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी कि संकट का समय है और जो समय जिम्मेदारी अधिकारी को दी गई है उसको उनको पूरा करना यहाँ पर चाहिए। लेकिन चंदमणि, यहाँ पर जिस तरह से अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आशंका हो सकती है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो, कौन कौन से अस्पतालों में उन्हें ले जाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं तकरीबन 50 से ज़्यादा ही संख्या हो सकती है, अभी कुछ हम कह नहीं सकते इन आंकड़ों को लेकर, लेकिन कौन कौन से अस्पतालों में जहाँ इन घायलों को ले जाया गया है? इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर जिसमें जानकारी कोई हासिल कर पाए इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद में प्रशासन की तरफ से तमाम जो एम्बुलेंस और तमाम माध्यमों से उनको अस्पतालों तक पहुंचाया गया है, वहीं अभी निश्चित तौर पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जिससे उन्हें पता चल सके, जो उनके परिजन हैं वो जान सकें कि कौन से लोग वहाँ पर थे और किस तरह से घटनाएँ हुई। हालाँकि अभी आधिकारिक तौर से किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन नंबर की सूचना नहीं आई है, और जैसे ही हेल्पलाइन की सूचना आती है वैसे ही हम दर्शकों को बताएंगे, और साथ ही में प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर की टीमें गठित की गई हैं उसको लेकर भी जो लगातार ये नज़र बनाए हुए हैं, और जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है वैसे ही दर्शकों को बताया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे की अपडेट्स के लिए भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे की कि कितना भीषण यह हादसा था, जहां डीसीएम और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई और उसके बाद यहां चीख पुकारे सुनने को मिली, 24 लोग, 24 प्रवासी मजदूर जिनकी मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 15 बताए जा रहे हैं मजदूर जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त ये हादसा हुआ था तो ऐसे में राहत और बचाव का कार्य काफ़ी मुश्किलों भरा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे उजाला हुआ तो इसमें तेज़ी आई और राहत बचाव का कार्य चला, और वहीं घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। तो डीएम का इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहना है, सीएमओ का इस हादसे को लेकर क्या कहना है, साथ ही ईडीजी का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। 3:30 बजे के लिए हादसा हुआ, एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में, लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे, पीछे से एक ट्रक बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे दे रहे थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था, शायद ड्राइवर को एफ टी को चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था,
उसमें भी टकराने से घटना हुई, तो इस तरह किया। और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे घर के। 20 लोग यहाँ एडमिट है जी। सर कितना, सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका, कितने सारे हो चुके हैं वहीं से? हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सभी आ चुके हैं। जैसे किसी डेथ हुई होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो सही जगह पहुँचा। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट है। अच्छा, ये लोग कहाँ के थे, कुछ जानकारी? ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। हॉस्पिटल में आपने कहाँ पर जो गंभीर चोटें हैं उनको कहाँ एडमिट कराया गया? इसको गंभीर चोटों को कहाँ एडमिट कराया गया? वो 15 लोग जो रेफर किए गए वो सेफ है। और एक पुराना गाड़ी थी जैसमना जो है, जिसमें ज़्यादा लोग थे जैसमना जो है, और दूसरे MDCM थे। ज़्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है जो ट्राला में लोग थे जाते हैं उन्हीं में से जाते हैं। 24 लोग की अभी सूचना है जैसमना की उनकी, और अगर 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं उनको जाते हैं, पर जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल में। ट्रक खड़ा हुआ था, पीछे से टक्कर मारी है DCM वाले ने, तो ये ट्रक पलट गया। इसमें मजदूर थे काफी तादाद में मजदूर थे, अभी दबे हुए भी, और करीब 30 लोग मर चुके हैं और 18 लोग घायल हैं। तो पुलिस प्रशासन का जो ये राहत कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? तो ये लगे हुए हैं सब पुलिस कार। तो आप क्या बता रही है, जो राहत कर रहे हैं क्या देर में शुरू हो पाया कि थोड़ा सा जल्दी कैच किया थोड़ा गया था? ये भी काला है जो पड़ा गया है, तमाम अधिकारी यहाँ पर क्या ये बता रहे थे, स्थानीय लोग बता रहे थे राहत कार्य जारी है अभी। हालांकि ट्राला जो है जिसमें मजदूर बैठे हुए थे वो यहाँ पे हटाया गया है, लेकिन अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्रेन जो है पीछे खड़ी है, वो उसके ट्राला को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। मुनीष त्रिपाठी, RNN News, औरैया।